Hello everyone, welcome back to our channel. Continuing our 7-day spoken English challenge series, today in part 2 we are going to start with some SSC level questions. इस वीडियो में अलग अलग पार्ट्स होंगे एंड वील टैकल देम एज वी गो. सो लेट्स बिगिन. सो एज आई स्टेटेड, आज हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ एसएससी लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. क्वेश्चन है, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली. तो कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी बातें नहीं कह पा रहा, उस इंसान को क्या कहेंगे? इनेन, इनएप्ट, इनआर्क या इनआर्टिकुलेट. इसका आंसर है इनआर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मतलब किसी चीज़ को अच्छे से बोलना, और इनआर्टिकुलेट मतलब जो ऐसा इंसान जो ये काम ना कर पाए. इसी क्वेश्चन के साथ हम बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं. इनेन का मतलब है विदाउट एनी मीनिंग. इनएप्ट का मतलब है जो चीज़ सूटेबल ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो सर्कमस्टांसिस के लिए. इनआर्क प्लांटिंग का एक तरीका है, और जो आंसर है इनआर्टिकुलेट वो तो आपने देख ही लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन. ऑप्शंस हैं बैंड, फैक्शन, सेट या क्लस्टर. अब ये सारे ही ऑप्शंस बहुत सिमिलर वर्ड्स के हैं जैसे कि हमें एग्जाम्स में दिए जाते हैं, पर फैक्शन जो है वो करेक्ट वर्ड है क्योंकि क्वेश्चन में जो की वर्ड है डिसेंटिंग ग्रुप वो इसकी डेफिनेशन में फिट होता है. और डिसेंटिंग ग्रुप का मतलब है ऐसा एक ग्रुप जो एक बड़े ग्रुप का पार्ट तो है, बट देन दे डोंट अग्री विद द बिगर ग्रुप ऑन सम पॉइंट. तो किसी पॉइंट पे आके वो डिसेंट कर रहे हैं, विच मेक्स देम अ फैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज शी इज इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब. इसी को अंडरलाइन किया है, इसी के लिए आपको वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल, एस, एक्सपर्ट या नोविस. और इसका आंसर शायद आपको आसानी से आ जाए क्योंकि प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, एस तीनों ही किसी ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा स्किल या स्पेशल नॉलेज हो. पर नोविस ऐसा इंसान है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हो अपने जॉब पर, और इसीलिए ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि गॉट द जॉब ईजिली बिकॉज ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस. तो अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसी ऐसे इंसान के लिए जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो. पहला ऑप्शन है पॉलीगॉट, नेक्स्ट है पॉलीनोमियल, नेक्स्ट है पॉलीसेंट्रिक और लास्ट है पॉलीसिलेबिक. इसका आंसर है पॉलीगॉट. पॉलीनोमियल एलजेब्रिक टर्म्स में यूज होता है. पॉलीसेंट्रिक का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका एक से ज़्यादा सेंटर है, और पॉलीसिलेबिक का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा, यूजुअली 3 सिलेबल्स होते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स. इसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिसग्राफिया या डर्मेटोलॉजी. अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आजकल इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ भी चल रही है. इसका आंसर है डेमोग्राफी. डेमोक्रेसी आपको पता होगा ऐसा सिस्टम जिसमें लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. डिसग्राफिया एक ऐसी इनएबिलिटी है जिसमें आप सही से लिख नहीं पाते, और डर्मेटोलॉजी रिलेट्स टू स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अपनी मूव करते हैं जो कि है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. आपको चूज़ करना होगा कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा सबसे सही ऑप्शन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी डू नथिंग टू कर्ब दिस पोल्यूशन आई गारंटी वी विल ब्लैंक इन द फ्यूचर. ऑप्शंस हैं फेस द विंड, फेस द डार्क, फेस द म्यूजिक या फेस द स्टिक. और इसका सही आंसर है फेस द म्यूजिक. ये एक idiom है और इसका मतलब है टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट consequences ऑफ योर actions. तो सेंटेंस का मतलब हो गया कि अगर हमने अभी पोल्यूशन को नहीं रोका तो आगे जाकर हमें अपनी चीज़ों के अनप्लेजेंट consequences को झेलना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ब्लैंक हियर वाइल यू आर वर्किंग.
अब ये चार ऑप्शंस हैं, इनको आप 10 सेकंड्स लेकर रीड करिए एंड सी इफ यू कैन स्पॉट द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज डू यू माइंड मी बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग। और इसका मतलब है आप किसी और से पूछ रहे हैं कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है जब वो काम कर रहा है तभी आप उसी जगह पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर इज स्टडिंग हार्ड ब्लैंक इन दी एग्जाम्स। और इसका सही आंसर है टू स्कोर। इस सेंटेंस में चाहिए हमें एक इन्फिनिटिव यानी कि प्रपोजिशन लगेगी टू और उसके साथ वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर सही हो गया टू स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस फैमिली प्लेज अ वेरी ब्लैंक एंड एज ओल्ड ट्रेडिशंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आराम से रीड करिए एंड सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, आई होप आपने पॉज करके रीड कर लिया होगा एंड यू हैव द करेक्ट आंसर। और अगर सी आंसर आपने सेलेक्ट किया है तो यू कैन गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक क्योंकि दैट इज द करेक्ट आंसर। अब एंड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक चलने देना। तो इस सेंटेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी पुराने ट्रेडिशंस को चलाने के लिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। और बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं उन सब का मतलब है कि उसमें पैसिव रोल है या फ्यूटाइल पार्ट है, डोसाइल पार्ट है। जिन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है कि वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, कोई उसका मेजर रोल नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ड्रीम्स ब्लैंक देन हिज फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सो आई एम लीविंग दिस वन फॉर यू टू रीड एंड एनालाइज एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो। ऑल राइट, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है एम्बिशियस, एम्बिशियस, और इसका मतलब है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग। तो जो इंसान बहुत महत्वाकांक्षी होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बिशियस। नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंट, एफिशिएंट, और इसका मतलब है अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट्स। यानी कि जितना आपने काम किया उतने आपके रिजल्ट्स आ गए, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, उसे हम कहेंगे एफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव, और इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान हु इज़ ईगर टू लर्न, जिसको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो उसे हम कहते हैं इंक्विजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेट, और इसका मतलब है टू वर्क विद अदर्स ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर किसी के साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं डू यू माइंड इफ वी कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इस वर्ड का आंसर ऑलरेडी आता है, लेट्स सी इफ यू कैन रिमेंबर इट। द वर्ड इज रेजिलिएंट एंड इट मीन्स able to withstand or recover from difficult conditions. अगर आपको याद था तो that's brilliant, और अगर नहीं था तो keep trying. अब next exercise है हमारी read with me. ये है हमारा passage which includes all the 5 words जो आज हमने read किए. I'll read the passage slowly so everyone can read with me, और आप pause करके video दोबारा से read कर सकते हैं in a faster pace. Jane's ambitious goals drove her to become more efficient in her daily tasks. She knew that being resilient in the face of challenges was key to her success. Her inquisitive nature led her to seek out opportunities to collaborate with others in her field. By combining their efforts, they achieved great things together. Now, let's move to the next part, that is an idiom to enrich your language. Don't cry over spilled milk. और इसका मतलब है,
do not waste time worrying about things that have already happened and can't be changed. तो जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उन पर परेशान होने का भी कोई फायदा नहीं होता. So stop spiraling, stop crying over the spilled milk and take some action. और इसी नोट पर मूव करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज थॉट फॉर द डे. एंड इट इज द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस. तो जो आपकी कैपेसिटी है कितनी चीजें आपको याद रहती हैं, दैट इज अ गिफ्ट. बट द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल दैट यू अक्वायर, दैट यू डिवेलप. हाउएवर द विलिंगनेस टू लर्न, जो आपके अंदर की चाह है किसी चीज को सीखने की, दैट इज अ चॉइस. एंड दैट इज अ चॉइस दैट यू मेक एवरी डे. सो चूज टू लर्न, कीप प्रोग्रेसिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी सून.